हरदा जिले के खिरकिया में संयुक्त कर्मचारी संगठन ने अंबेडकर भवन में इकट्ठे होकर एसडीएम कार्यालय तक रैली निकाली, जहां अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भेंट किया गया। इस दौरान कर्मचारियों ने प्रशासनिक अधिकारियों के सामने प्रदर्शन कर अपनी बात कही। इसके बाद अपनी विभिन्न मांगों का ज्ञापन भेंट करते हुए पहले ज्ञापन का वाचन किया, फिर इसे एसडीएम विष्णु प्रसाद यादव को सौंपते हुए मांगों के शीघ्र निराकरण की मांग रखी। इस मौके पर सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, नगर परिषद कर्मचारी, शिक्षकगण आदि उपस्थित थे। कर्मचारी नेताओं में अनिल वैद, प्रदीप रिछारिया, महेश तिवारी, संजय अग्रवाल, पिंटू गौर, सत्यनारायण रोले आदि उपस्थित थे। आज भारतीय मजदूर संघ के तत्वाधान में सारे आनुसंगिक संगठनों ने एकत्रित होकर जो प्रदेश सरकार ने अपने वादे किए थे और जिस पर वो खरी नहीं उतर रही है, जैसे कि कृषि उपज मंडी में गेहूं उपार्जन की जो खरीदी हुई उसमें अभी तक श्रमिकों का पैसा नहीं मिला है। दूसरा, 60 साल की उम्र कर दी गई है तुलावटियों की और तुलावटियों को निष्कासित कर दिया जाए। हरदा से दोपहर न्यूज के लिए सुनील मालाकार की रिपोर्ट।